अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे, आप लोगों के नेक हाजतें, नेक तमन्नाएं पूरी करे। अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे, हम सब की अल्लाह ताला मगफरत फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरे कुछ व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आंटी, बिरयानी का राइस हमारे हाथ से नरम हो जाता, स्टिकी हो जाता, तो प्लीज़ बताइए बोल के। तो मैं आपको आज थोड़ा ही बता रही हूँ बिरयानी का राइस पकाना। तो पहले बिरयानी के राइस को मेरे को भिगा लेना है। ये चावल है, देखिए आप, 200 ग्राम है। इसमें डाल लेंगे, इसको मैं धो के भिगा के एक घंटा रख दूँगी। उसके बाद क्या करना है बताऊँगी आपको। तीन पानी से वॉश कर लूँगी मैं, उसके बाद पानी डाल के भिगा दूँगी। ये बता दे रही हूँ आप लोगों को। और बिरयानी के राइस को देखिए, ऐसा चावल ऐसा दबा दबा के नहीं धोना, टूट जाता। आप अपने इंडियन राइस होना मसूरी रहता ना, उसको धो सकते, इसको नहीं धो सकते। तीन पानी से धो लेना। और बिरयानी का राइस जो बचिया मेरे से बोल रहे हमारे के नरम हो जाता हो, तो आप लोग पुराना चावल देख के लिए, थैले पे लिखा हुआ रहता, जो बैग रहता, देखिए राइस बैग 6 मंथ ओल्ड ऐसा लिखा हुआ रहता। मैं कभी वो बैग बताऊंगी, मेरे पास अब तो नहीं है, तो वो देख के लिए। या अगर आप लूज़ बिरयानी का राइस ले रहे हैं तो क्या करना है आपको, एक चावल का दाना ले लेंगे, ले लेके दांत में नहीं, दाढ़ में रखना। अपने दाढ़ में रख के उसको ऐसा दबाना अपने दूसरे दाढ़ से। तो अगर समझिए पुराना रहेगा तो देर से टूटेगा, नया रहेगा तो एक सेकंड में टूट जाएगा। आपको ताकत डालने की ज़रूरत नहीं रही। जितना हो सके बिरयानी का राइस पुराना रहना, तो या तो तकरीबन नया ही चाहता बास वक्त, तो मैं ज़िया चावल लेके स्टोर कर लेती हूँ तो पुराना हो जाता। बड़ी बकेट में भर के रख लेती हूँ मैं, फिर उसको खोलती नहीं। उस पर डिस्प्रिन के गोलियाँ या कुछ भी गोलियाँ, क्योंकि कीड़ नहीं पड़ता, वो डाल के रख लेती हूँ। कुछ भी टैबलेट्स, मतलब ब्रूफिन आता देखिए, वो भी डाल सकते हैं। डिस्प्रिन बहुत अच्छे रहते। मैं तो इंडिया से ला लेती हूँ रवा, बहुत दिनों पहले की बात बोल रही हूँ मैं। अब तो लाने दे रही या नहीं दे रही वो तो नहीं मालूम है, वो दिनों से नहीं गई मैं, इसलिए। ये धोधी देखिए, मैं देखिए अब कितना वाइट है, ऐसा वाइट धोना चावल। फिर ये पानी फेंक के दूसरा पानी कब लेना बताती हूँ मैं आपको। चावल का राइस रख रही हूँ मैं, सॉरी राइस बोल रही हूँ, पानी रख दी मैं। अब ये पानी खलखल जब पकेगा तो जब चावल डालूँगी। अगर आप बिरयानी का राइस जो आप लोग जो खाते बोल रहे हैं, तो बिरयानी का राइस अपन बिरयानी का अधन कैसा चढ़ाते वैसे ही चढ़ाना है। डायरेक्ट आप चावल डाल के चढ़ाएंगे तो बिरयानी का राइस ऐसा चिक चिक हो जाता, चिकट जैसा हो जाता। तो पहले पानी बॉइल करना है, ये पानी खलखल ऐसा पकना है, उसके बाद चावल डाल देंगे। ये देखिए मैं चावल डाल दी ना, और ये देखिए कितना लूज हिल रहा ये चमचा। अमृतसर चावल में पानी ज़्यादा डाल के चढ़ाए तो स्टिकी नहीं होता, चिप 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 नहीं होता। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं फिर भी अगर नरम होगा तो, मैं तो नहीं डालती, फिर भी आपको बता दे रही हूँ। अगर आप लोग नमक खाते हो तो नमक डालिए, मैं नहीं डालती हूँ। प्लेन राइस में नमक डाले तो सालन का मजा नहीं आता। और 5-5 मिनट को हिलाते रहना, नहीं तो कोई चावल होता कोई नहीं होता। ये देखिए अभी नहीं हुआ, ये देखिए चावल हो गया ऐसा टूट जाना, चावल हो गया सब दिया। अब मैं इसको निथार दूंगी। और देखिए मैं तो छन्नी में नहीं डालती, थोड़ा रहा तो, मगर छन्नी नीचे रखती हूँ अगर चावल गरा करा तो। देखिए गैस पर रख दी मैं, अब चावल एक अच्छी भाप दे देखे कब कर दूंगी, कितना खुला खुला होता। देखिए बिरयानी का चावल हो कौन सा भी हो, बड़ी चीज़ में बनाइए तो अच्छा बनता। भाप आ गई, डिस्प्ले करके बताऊंगी मैं। राइस बन के रेडी है, देखिए एकदम कलियां कलियां बना, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग भी बनाइए, फिर फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा बना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।